वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी टेक्निक्स में। दोस्तों, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि केंद्रीय विद्यालय आपके डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं, और अगर है तो किस जगह पर है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा जिससे कि आप सब कुछ अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्कल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थंबनेल में आपको नज़र आ रहा होगा हर शहर का कहाँ कहाँ पर है केंद्रीय विद्यालय, पूरे भारत में कहाँ कहाँ पर है। दोस्तों, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, केंद्रीय विद्यालय के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं, इस चीज़ को आपको पता करना है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय विद्यालय है तो किस जगह पर है, और अगर कहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो कैसे उससे आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, कैसे उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले पाएंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ ब्राउज़र पर, जहाँ पर आपने सिर्फ सिंपली गूगल टाइप कर लेना है। ये देखिए, मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया और गूगल टाइप कर लिया, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ लिस्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय। जैसे ही मैं लिस्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय को सर्च करूँगा, दोस्तों थर्ड नंबर का जो लिंक है kvsangathan.org.in, एक वेबसाइट है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, उसको आपको ओपन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत सारे जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनके नाम आपको यहाँ पर, और कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पूरे ऑल इंडिया में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, आपको सर्च करने का बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ आपके डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं, अगर है तो कितने हैं और उनके नंबर क्या क्या हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी आपकी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, kvsangathan.org.in वेबसाइट से अवगत कराने से पहले मैं आपको एक सबसे नीचे स्क्रॉल करके एक नोटिफिकेशन है वो दिखाता हूँ। www.kvsangathan.org.in इज नॉट एफिलिएट टू केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनी गवर्नमेंट वेबसाइट। ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हियर आर फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, वी डू नॉट क्लेम एनी फैक्ट एंड फिगर स्टेट हेयर। दोस्तों, ये वेबसाइट केवी संगठन से रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ये बनाई गई है। तो दोस्तों, एजुकेशनल पर्पस से ही आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए लिस्ट पूरी यहाँ पर दी हुई है। अब सपोज़ कीजिए, आप यहाँ पर देखिए बुलंदशहर ज़िले में रहते हैं, BU, ये यूपी का एक ज़िला है बुलंदशहर, BULAND, आप बुलंद टाइप कर दीजिए और सर्च कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ देखिए बुलंदशहर आपका आ जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में है। अब इसका जो रीजन है वो आगरा है। दोस्तों, इस तरह से हर स्टेट में रीजन बनाए गए हैं। आगरा रीजन जो है आसपास के 10-12 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, जैसे अलीगढ़ को, बुलंदशहर को, एटा को, इस तरह से ये एक रीजन है आगरा का, और यहाँ पर बुलंदशहर में ये मौजूद है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय बुलंदशहर में, ठीक है, ये लिखा हुआ है KV बुलंदशहर। अब दोस्तों, आपने बुलंदशहर का सर्च कर लिया, अब हम सर्च करते हैं अलीगढ़ में है या नहीं, ALIGAR, सिर्फ आधा नाम ही टाइप कर दें आप और एंटर कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर KV अलीगढ़ के नाम से एक है अलीगढ़ के अंदर, ठीक है दोस्तों, और ये भी आगरा रीजन में आता है। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो वहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कीजिए और एंटर करिए, तो आपको सर्च करके वो बता देगा आपके डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय विद्यालय है या नहीं। अब दोस्तों, बात करते हैं, अलीगढ़ का मैंने सर्च करके दिखा दिया, अब मैं बात करता हूँ दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली एक स्टेट है पूरा, बहुत बड़ा है। तो यहाँ कितने केंद्रीय विद्यालय हैं वो सारे यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली है, साउथ वेस्ट दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, ठीक है, वेस्ट दिल्ली है। तो इस तरह से इसमें अलग अलग जो है इतने सारे केंद्रीय विद्यालय हैं दिल्ली के अंदर। तो आपको अगर कोई और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है तो आप एटा सेलेक्ट करके चेक करिए, एटा है में है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला आ गया एटा। तो यहाँ आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं और आपके सामने ये आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर की और किस जगह पर है। सपोज़ कीजिए अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ में मैंने सर्च किया, ठीक है, अलीगढ़ में सर्च किया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अलीगढ़ में आखिर है किस जगह पर, इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें अगर मैं जानना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। ये देखिए, इतना करना है सिर्फ, पूरा कॉपी ना करें। कॉपी करने के बाद अगले टैब में आपको इसको ओपन करके एंटर कर देना है। तो दोस्तों देखिए, अलीगढ़ की वेबसाइट यहाँ पर ओपन होकर आ जाती है, और यहाँ पर आपको देखिए एड्रेस भी मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये देखिए, कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करें आप,
देखिए कॉन्टैक्ट अस पर जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए इसका पूरा एड्रेस आ गया, केंद्रीय विद्यालय विलेज देवसैनी नियर पीएससी रामघाट रोड अलीगढ़। फ़ोन नंबर्स आ गए यहाँ पर, फैक्स नंबर्स आ गया, मेल आईडी आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ पर मैप भी आ चुका है, या मैप के ज़रिए भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, आप अपने स्टेट में कहीं भी हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हों, वहाँ का आप केंद्रीय विद्यालय पता कर सकते हैं कि आपके नियर बाई कौन सा केंद्रीय विद्यालय पड़ेगा, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, सारी चीज़ें आपको इस तरह से मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।